तो हेलो गाइस, अगर आपके वॉशिंग मशीन है आपके पास और उसमें बहुत ज्यादा स्केलिंग होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर होता है, या फिर आपके पास गीजर है उसमें बहुत ज्यादा हार्ड वाटर होता है, या फिर आपका फिश टैंक है उसके अंदर ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा बोलते हैं जो हार्डनेस होता है वो बहुत ज्यादा है वाटर के अंदर, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास एक डिवाइस आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा काम की चीज है भाई और बहुत ज्यादा यूजफुल है। यूजफुल मतलब इसे आप जहां भी हार्ड वाटर है मतलब हार्ड वहां के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत बेस्ट ऑप्शन है और बहुत अच्छी डिवाइस है और इसका काम है ना स्पेशली स्केलिंग को रोकना होता है, मतलब जो हार्ड वाटर होता है उसे रोकने का काम आता है ये, ठीक है। और इसका आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, और मेक इन इंडिया है मतलब अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब इसे पावर से चलना है। आप अपने फ्यूज टैंक में यूज कर सकते हो, अपने गीजर के अंदर यूज कर सकते हो और अपने वॉशिंग मशीन के अंदर, डिश वॉशर के अंदर, इसे हर जगह यूज कर सकते हो। हर उस जगह पे जहां हार्ड वाटर की मतलब हार्ड वाटर बहुत ज्यादा आता है वहां पे आपको हार्ड वाटर नहीं चाहिए। देखो फिश टैंक होता है ना, फिश टैंक आप उसमें देखेंगे कुछ दिन में मतलब पानी रहते रहते क्या होता है कि वाइट चिपकना चालू होता है कांच के ऊपर, उसे रोज क्लीन करना पड़ता है, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो सब हार्ड वाटर की वजह से ही होता है और उसे रोकने के लिए स्पेशली ये एक डिवाइस बनाया है कंपनी ने। तो देखेंगे आप कुछ इस तरीके से, तो चलिए आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को और ये इसको ही अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और कमेंट करो कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आगे वीडियो में। अपना जो बॉक्स है कुछ इस तरीके से आता है और अब देखेंगे तो यहाँ कंपनी का नाम आ जाता है और यहाँ पे कुछ लोगो दिए हुए हैं, वॉशिंग मशीन में, डिश वॉशर में यूज़ कर सकते हो। और इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आप सेम यहाँ पे वाटर हीटर में यूज़ कर सकते हो, फिश टैंक के अंदर यूज़ कर सकते हो और डिश वॉशर के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ डिटेल्स दिए हैं, आप लोग वीडियो स्टॉप करके पढ़ लेना, आप लोग को अच्छे से डिटेल्स पता चल जाएंगी। फिलहाल अभी आप इस तरफ देखेंगे तो इसे कनेक्ट कैसे करना है उसका भी आइडिया दिया हुआ है अपने वॉशिंग मशीन में या फिश टैंक के अंदर। ये जहाँ से मुझे कुरियर आया है ये उनका डिटेल्स है, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग नंबर मैं दे रखूँगा और आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और अभी देखिए कुछ इस तरीके से खोलते ही सबसे पहले मैनुअल बुक आ जाता है इसका, इसमें ब्रांच कोड आ जाता है, मतलब सीरियल नंबर जो है, मॉडल नंबर है और इसके बुकलेट में बहुत सारी डिटेल्स है। अब देखेंगे तो छोटी सी है बट इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कैसे कनेक्ट करना है कैसे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख के आया है नंबर वन पे स्केल डिफेंस, मतलब जो अपनी हार्ड वाटर होते हैं उसे बचाता है, मतलब उससे बचाता है वाटर को, ठीक है। और अपना जो मेन डिवाइस है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको बाद में दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो इसका पाइप हो गया जो कनेक्ट करता है इनपुट, ठीक है, ये एक हो गया और इसके साथ में कुछ टाई और कुछ लॉक आते हैं जिस जो आप वॉल पे हैंग करना चाहते हो तो वॉल पे हैंग कर दो, वॉशिंग मशीन के साथ हैंग करना चाहते हो वॉशिंग मशीन का, स्क्रू भी साथ में आ जाते हैं। तो बॉक्स को भी करते हैं साइड में और मेन डिवाइस को देखते हैं हम। मेन डिवाइस कुछ इस तरीके से देखिए, ये आप अपने वॉशिंग मशीन से कनेक्शन दे सकते हो इसे और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इनपुट कनेक्शन और आउटपुट कनेक्शन और मेन पावर कनेक्शन के लिए भी दिया हुआ, आप जैसे चालू करते हो यहाँ लाइट आ जाएगा पावर के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपना डिवाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं है आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 5 से 6 इंच का है ये डिवाइस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपना जो पाइप है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, अपना जो पाइप है कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, थ्रेड वाला है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, देख सकते हो और इसे आप कनेक्शन दे सकते हो। सो गाइस, अपना जो डिवाइस था वो कुछ इस तरीके से मैंने दिखा दिया और ये जो है ना ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो बस वीडियो को बस यहीं पे रखता हूँ और आपके थोड़ा भी काम आया हो ये चीज तो मेरे साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करना कि भाई अच्छा लगा नहीं लगा या फिर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी बताना। तो ऐसे डिवाइस जो है ना वो मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग को दिखाऊं और ये डिवाइस आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो चलिए बस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।